नमस्कार दोस्तों, रीट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। आप देख सकते हो यहाँ पर रीट का जो पेपर हुआ था उस पर याचिका लगा दी गई है और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उपेन यादव का जो ट्वीट है वो क्या है, रीट भर्ती पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने के लिए न्यायालय में याचिका लगा दी है। युवा बेरोजगारों की तरफ से सीबीआई जाँच के लिए अधिवक्ता यलोप सिंह न्यायालय में केस लड़ेंगे। सीबीआई जांच के लिए राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ये उपेन यादव का ट्वीट है, यहाँ पर सीबीआई मांग की जा रही है। इसके बाद देख सकते हो जो दूसरा ट्वीट है वो क्या है, देखिए, सीबीआई जांच के लिए दायर की गई याचिका में लाइब्रेरियन एसआई जेएन भर्ती के पेपर लीक की बात भी मजबूती से रखी है और यदि सीबीआई जाँच होती है तो सभी भर्तियों के पेपर लीक की परतें खुलेगी और अपराधी जेल के अंदर होंगे। इसके बाद देख सकते हो जो तीसरी न्यूज है वो क्या है, पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने का केवल हमारा एक ही उद्देश्य है, पेपर माफियाओं को संरक्षण देने वाले राजनेताओं का खुलासा हो और उनको जेल हो तथा प्रदेश में पनपे हुए तमाम पेपर माफिया गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो। तो जो पेपर लीक करवाने वाले हैं उनको जेल में भेजा जाए, इनके लिए यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो आप सभी उपेन यादव का सपोर्ट करें और यहाँ पर रीट की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।